सबको मेरी तरफ से। और आप सब लोग कैसे हैं? एक हफ्ते के बाद हम फिर एवरी वीक का जैसे हम मिलते हैं, तो इस हफ्ते भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है ये, एंड कुछ अपडेट्स हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, तो काफी कुछ मिक्स है। ओके, हम फाउंडर हैं क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, हम सबको भी, आपको भी। कैसे हमने चीजों को करना है, कैसे नहीं करना है, क्या अपडेट्स हैं, और कैसे हमने इंडिया में आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें मॉनिटर होती हैं बेसिकली। बहुत सारे अच्छे हमें लीडर्स मिले हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10, 15, 20, मतलब हजारों हजारों लीडर्स ऐसे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें उस लेवल के लीडर्स इंडिया में मिले हैं, और कुछ लाइमलाइट में है, आगे हैं, कुछ पीछे रह के काम करते हैं, बट बहुत एक अच्छा अच्छा एक सिस्टम को लेके जब सब लोग चल रहे हैं, तो एक बहुत ही खुशी की बात है इस सारे सिलसिले में जो कुछ हो रहा है। ओके, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हम लोग उस बुलंदियों की तरफ जाते जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा, बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है जो कि आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखने वाला है। ओके, बैक एंड पे, क्योंकि आपको जैसे मालूम है प्रोजेक्ट बहुत बहुत बड़ा है, एंड उस बड़ा होने के कारण जो चीजें बैक एंड पे होती हैं वो भी उसी उसी लेवल पे आके उस बड़ी चीज करनी पड़ती है। उसको जस्ट हम वैसे ही नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते, तो इतनी बारीकी से बहुत बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। दिन रात काम चल रहा है, और उसके साथ साथ जो ये पेंडेमिक का, कोरोना का काल चल रहा है, वो भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो ये बहुत कुछ मतलब की है, जिससे कि ना कि हम लोग काम कर पा रहे हैं, बट उन चैलेंजेस को हम एक एक करके दूर भी करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जितने फाउंडर्स हैं वो साथ दे रहे हैं इन चीजों का, उन चीजों को समझ रहे हैं। और डेफिनेटली एक बहुत बड़े सिस्टम को समझने में भी किसी को शायद टाइम लग रहा होगा, किसी को बहुत जल्दी समझ आता है, बट ओवरऑल एक बहुत अच्छा माहौल जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये नहीं कि इंडिया में, बट सब जगह पे एक बहुत अच्छा माहौल है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी बात है, और ग्रोथ तो आपके सामने है, डेली के डेली कितने कितने हजारों लोग ज्वाइन हो रहे हैं ऑन पैसी में, और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। कभी भी 2018 से लेके आज की डेट तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो ऑन पैसिव की ग्रोथ है वो रुकी है कहीं। ये बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि टाइम और लगभग अभी 3 साल होने वाले हैं, हम ये कह सकते हैं, बट जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है। कभी भी कहीं ऐसा मौका नहीं आया कि हमें सबको लगे कि ग्रोथ नहीं हो रही। तो ग्रोथ हो रही है, लीडर्स आ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, पीछे सारा कुछ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, तो इसीलिए हम भी एवरी वीक आके यहाँ पे हम जो इंडियन सेशन कह सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन का वो रखते हैं। उसमें एक क्या होता है, बेसिकली हमारे मेन लीडर्स हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं इंडिया में, जो नहीं हो रही है, जो सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो बहुत चीजों की मॉनिटरिंग होती है। ओके, तो वो जो जो मेन लीडर है उनका यही काम होता है। ओके, वो अलग, वो बैठते नहीं है, वो दिन रात काम कर रहे हैं, जैसे आप भी सब कर रहे हो अपने लेवल पे, तो वो उस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, बारीकी से एक एक चीज को देख रहे हैं, क्या हो रहा है यूट्यूब पे, क्या हो रहा है फिजिकली तौर पे, क्या हो रहा है इंडिया में, किस चीज की हमें जरूरत है, कहाँ पे जरूरत नहीं है, या जो भी एनी हो जो भी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें मॉनिटर होती हैं। और वो एक हफ्ते में क्या हुआ है उस सारे का नतीजा फिर हम लोग आपको यहाँ पे आके बताते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं जो जितना हमें मालूम होता है। ओके, तो इसी सिलसिले में सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं कि यस, हमारा जो हैदराबाद का ऑफिस था, क्योंकि कुछ लोग 15-16 लोग वहां पे थे, कुछ कोविड से इन्फेक्ट हुए थे पिछले आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले, तो इसलिए ऑफिस को थोड़ा देर के लिए सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि अथॉरिटीज भी बोलती हैं उसको सैनिटाइज करो अच्छे तरीके से, तो उसको सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया था। तो बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, काम भी चल रहा है वैसे, बट मंडे से फुल फ्लैज, ये जो आने वाला मंडे, कल मेरे ख्याल इंडिया में, यस, तो ये फुल फ्लैज, उसमें फिर सारे लोग काम करने लगे हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि काम रुक गया था, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम है, ऐश को मालूम था कि हम इस दौर में से गुजर रहे हैं कोरोना वाले में, तो कभी भी
कुछ भी अनप्रेसिडेंटेड कुछ ना कुछ चीज हो सकती है, तो वाई नॉट की उसकी तैयारी पहले ही करके रखी जाए। तो ऐश ने ये सारी तैयारी पहले ही करके रखी थी कि कुछ कंप्यूटर्स, कुछ लैपटॉप्स या जो मेन मेन चीजें हैं उन लोगों को, उनको ऑलरेडी घर में दे दी गई थी कंपनी की तरफ से। लैपटॉप्स भी थे, दूसरे पीसी मशीन्स भी थी, ताकि जो हैवी काम करना हो या कुछ हो तो वो रुके ना कम से कम, ओके, तो बैकएंड पे चलता रहता। तो उनके घरों में भी वो सारी फैसिलिटी दी थी, तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहा था। उसमें ये नहीं कि अगर ऑफिस बंद है तो शायद हम लोगों की तैयारी पूरी ऑन पैसिव की, क्योंकि कोरोना के दौर में अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो फिर हाल वैसे ही होगा जैसे अब इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। तैयारी नहीं थी, तो इसलिए हम देख रहे हैं डेली की डेली।